गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सो भाई आज की जो राइड है ना वो बहुत लंबी राइड है। आज जो हम जा रहे हैं वो जा रहे हैं अब सूर में, कि सूर जो है यहाँ से तकरीबन 350-300 किलोमीटर दूर है। सो ये है कि आज की राइड बहुत हमारी टफ होने वाली है, बहुत लंबी होने वाली है, और यानी कि 300 किलोमीटर जाने के, 300 किलोमीटर आने के। सो 600 किलोमीटर की हमारी ये ड्राइव है। सो 600 किलोमीटर ड्राइव करनी है क्योंकि हमें रात तो हो जानी आते आते। सो ये बहुत टफ ड्राइव है, और राइड भी ऐसी है कि आज गर्मी भी ज़्यादा है। सो ये कि बस आराम आराम से जा रहे हैं। सो अब ये है कि भाई यूट्यूब पे आए तो जाहिर सी बात है लोगों को तो दिखाना है, घूमना है, फिरना है। यूट्यूब पे आने का मकसद ये है कि लोगों को अच्छे से अच्छा दिखा सकें और ओमान के बारे में बता सकें और घूम सकें। और भाई वैसे भी हमें तो आदत है घूमने की, ट्रैवल करने की, लंबी लंबी राइड करने की। सो इतनी प्रॉब्लम तो नहीं है, बट ये है कि टफ तो होता है हर चीज़ है। जब आप इतनी दूर जाते हो तो टफ लगता है क्योंकि लंबी राइड होती है, और ये कि बस यही डर होता है कि यार बस खैरियत से जाएँ और खैरियत से आए। कोशिश तो यही रहती है खुद अपनी सेफ्टी पकड़ते हैं, और मतलब पता तो है आना जाना, लेकिन ये कि टफ लगता है आना जाना थोड़ा क्योंकि लंबी राइड होती है। सो आई होप कि हमारी आज की राइड अच्छी गुजरे, आराम से आ जाए। बीच में हम एक दो ब्रेक लेंगे क्योंकि गाड़ी में फ्यूल थोड़ा बहुत है और डलवाना है। सो ये कि आराम आराम से जाएंगे घूमते फिरते हुए। रास्ते में बहुत से ऐसे विलेजेस आते हैं, बहुत सी जगहें आती हैं जो आपको हम दिखाएंगे। अभी जो मैं चल रहा हूँ ये है अमराद रोड, अलमराद, ये बहुत हाइट पे, और ये पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। देखिए ये दोनों पहाड़ों को काट के ये रोड बनाई हुई है, पहाड़ों के बीच में से ये बिल्कुल रोड जा रही है। सो बड़ी ज़बरदस्त लगती है रोड ये, और आप चेक करें इसको लेविंग करना। सो काफ़ी चीज़ें हैं, बट ये रोड यहाँ की आरामदेह है तो इतना फील नहीं होता है, बंदा आराम से ड्राइव करते हुए पहुँच जाता है। सो बस ये है कि अभी हमें 350-300 किलोमीटर कवर करने हैं। अभी टाइम यहाँ हो चुका है 10:53। सो मे भी हम लोग अराउंड 2 बजे तक या फिर 2 से पहले हम इंशाल्लाह सूर पहुंच जाएंगे। बाद में पहुंच चुके हैं, इसकी एंट्रेंस है, ये राउंड अबाउट है, यहाँ से अमराज का पूरा एरिया शुरू हो जाता है। सो अभी चलते हैं इसके अंदर। इसकी एंट्रेंस भी बड़ी अच्छी बनाई है इन्होंने, अच्छी राउंड अबाउट बनी हुई है बड़ी। और ये कि इधर जो है इधर भी आबादी ज़्यादा है, ये भी मस्कत के अंडर ही आता है, बट ये कि ये थोड़ा हटके है, ये थोड़ा नॉर्थ की तरफ आ जाता है क्योंकि ये सारा पहाड़ों के बीच में है। सो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जिस भी रीजन में एंटर होंगे आपको ऐसा वेलकम किया जाएगा खजूर के दरख्तों के साथ और किरासिन के साथ। तो आप देखें इधर भी वही सीन है पूरा। ये बना हुआ है यहाँ का मीडिया हाउस, इधर एक उमानी चैनल है, उमानी न्यूज़ चैनल। सो ये यहाँ पर उसका हेड ऑफिस है, आप देखें पूरा कवर किया जाता है यहाँ से पूरा चैनल को। बड़ी बड़ी जो डिशेस लगाई हैं बाहर, और यहाँ पर जो सीधी रोड है ये बिल्कुल सीधी रोड जा रही है सूर की तरफ। सो अभी हम टूवर्ड्स रवानगी हमारी हो गई सूर के लिए। सो यहाँ से भी बहुत दूर है, यहाँ से भी मेरे ख्याल में भी हमने मुश्किल से 20-30 किलोमीटर कवर किया है। जैसे आप ये सामने देख सकते हैं ये क्रिकेट स्टेडियम है, इधर लास्ट टाइम वर्ल्ड कप हुआ था, T20 वर्ल्ड कप यहाँ पर हुआ था, काफ़ी सारी यहाँ टीमें वगैरह आई थी। सो ये वो स्टेडियम है यहाँ पर वर्ल्ड कप खेला गया था। सो गाइस ये लास्ट रन अबाउट है अलमराद की, यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट, लेफ्ट लेके फिर हम आ जाएंगे सूर की रोड पे। सो ये राउंड अबाउट हमें क्रॉस करनी है, फिर यहाँ से हमें लगने हैं मैक्सिमम 2 घंटे सूर पहुँचने के लिए। सो ये हमने राउंड अबाउट क्रॉस कर दी है, अभी ये सीधी जो रोड है ये आपको लेके जाएगी सूर, ये सीधी रोड जा रही है, आपको कहीं टर्न नहीं होना है, कहीं मुड़ना नहीं है, बस सीधा सीधा अपना आपको जाना है इंजॉय करते हुए। रास्ते में जो भी ये एरियाज वगैरह आएंगे वो भी आपको मैं दिखाता रहूँगा। सो ये रोड है सीधी एकदम, और यहाँ पर 120 की और 100 की रोड है, और हम जो है वो जाएंगे 100 पे आराम से सुकून से, क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई टाइम पे नहीं पहुँचना है, एक दो काम है बस वो हमें निपटाने और हमें वापसी आ जाना है। सो अभी मौसम भी अच्छा,
डॉक्टर के साथ ही बना हुआ है और काफ़ी अच्छा वहाँ वेदर होता है। सो आप यहाँ के पहाड़ वगैरह चेक करें, काफ़ी अच्छे यहाँ के पहाड़ हैं। इस रोड पे आपको एक हकीकत बात बताऊँ मैं, इधर कोई ना पेट्रोल पम्प मिलेगा आपको और ना इधर आपको कोई कॉफ़ी शॉप मिलेगा। एक तो इक्का दुक्का मिलते हैं आपको, वो भी 50-60 किलोमीटर के बाद, बाकी पूरी रोड ऐसी है। तो थोड़े थोड़े बीच में गाँव वगैरह आते हैं। सो बस ये है कि चलते हैं और आई होप कि हम खैर खैर से पहुँच जाएँ इंशाल्लाह। सो लेट्स गो। गाइस ये आप लोग चेक कर रहे हैं, छोटे छोटे बीच में गांव वगैरह आ रहे हैं इस तरीके के, मतलब सिटीज टाउन आप इसको कह सकते हैं। सो यहाँ ये बने हुए आते हैं ऐसे छोटे छोटे। सो इस तरीके की बस ये रोड है और ये देखिए आप इधर भी घर बने हुए आ गए हैं फिलहाल। सो इस साइड पे भी क्या बोलते हैं घर बने गए हैं। सो बस देखिए आप ये पहाड़ों के बीच में रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट है और क्योंकि पहाड़ों के बीच में आपको पता है ज़्यादा गर्मी होती है। अभी ऊपर ऊँचाई पर तो ज़्यादा पहाड़ है ही नहीं, ये नीचे की तरफ ही है। सो ऐसा है, तो ये जगह आप चेक करें, सब आते रहती है रास्ते में। ब्लास्ट हो गया है बिकॉज ऑफ हीट की वजह से, तो ये ट्रक खड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर गर्मी इतनी होती है कि गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो जाता है गर्मी की वजह से, हीट की वजह से। सो ये होता है अक्सर यहाँ पर रोडों पे। सो इसलिए मैं थोड़ा सुबह सुबह जा रहा हूँ सो में, ये बंदा आराम से पहुँचे। 100 किलोमीटर हमने गाड़ी ट्रैच कर ली है, 100 किलोमीटर के बाद अभी हमें मिला एक पम्प। सो अभी चलते हैं यहाँ पर पेट्रोल डलवाते हैं और थोड़ा चाय भी पीते हैं और थोड़ा रेस्ट भी करते हैं। सो चले। टंकी हमारी हो गई थी आधी, अब इसको करवाएंगे फुल और ये हमारा चल रहा है पेट्रोल। इधर पेट्रोल की यहाँ प्राइस भी सस्ती है, ज़्यादा महंगा नहीं है यहाँ पर पेट्रोल। 5 साल में आपके तकरीबन काफ़ी किलोमीटर आ जाते हैं। अभी चलेगा तो बताऊंगा आपको। ये ब्रेक थोड़ा पीए ठंडा, अपने आप को ठंडा कर रहे हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। अभी फ्यूल हमने डलवा लिया है तो ये जगह यहाँ पर हमने ब्रेक ली है। देखिए यहाँ पंप जो बना हुआ है पेट्रोल पंप पहाड़ों के बीच में, तो एक थोड़ा रेस्ट करते हैं यहाँ पर 5-10 मिनट और निकलते हैं यहाँ से।